नमस्कार, आप देख रहे हैं चिमनीज। वक्त हो गया है खबरों का। पनवेल पुलिस ने एक रोचक मामले को हल करते हुए तीन ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि वेश्यागमन के लिए जाने वाले सेक्स के शौकीनों को लूटा करते थे। पीड़ित बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते थे, जिससे बदमाश हमेशा ही बच जाते थे। पनवेल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र दौड़कर ने बताया कि शिकायतकर्ता 8 दिसंबर को महलुंगी गांव से मोरबे की तरफ जा रहे थे, तभी डॉग फार्म के सामने चार अनजान लोगों ने रोका उन्हें और उनके साथ मारपीट करके उनका मोबाइल और पैसे छीन लिए। इसके बाद उन्होंने पनवेल पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए गुना शाखा की एक टीम का गठन किया। सहायक पुलिस निरीक्षक अविनाश पल्दे ने तकनीकी आधार पर मुख्य आरोपी मुदस्सिर और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनके गुनाह को अंजाम देने का तरीका मालूम होने पर पुलिस को शक हुआ कि उन्होंने इस तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया होगा। शक के आधार पर पुलिस ने जब आरोपियों से सघन पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वे कलंबोली में रेड लाइट क्षेत्र में वेश्यागमन के लिए आने वाले लोगों को लूटा करते थे। पीड़ित व्यक्ति बदनामी के डर से अपनी शिकायत पुलिस में करते नहीं थे। इसका फायदा उठाकर आरोपी बिंदास अपने कारनामों को अंजाम देते रहे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 मोबाइल और चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटो पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 3,45,000 रुपए है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जब्त किए गए मोबाइल्स की शिकायत किसी अन्य पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई भी है या नहीं। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के।